अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाइयों। ये मैंने जो है ना मादियाँ हैं जो उसमें गर्मा के टूर्नामेंट के लिए इंशाल्लाह अगर टाइम मिला, ज़िंदगी रही तो शौक करेंगे। ये फीमेल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शौक कराया था, इनकी मैंने पर पटाई कर दी है। इनके मैंने फ़िलहाल 5-5 पर खींचे हैं, ठीक है। तो 5-5 पर इनके मैंने खींच दिए हैं, ठीक है। बाकी पर इनके भी इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद खींचेंगे। ये एक फ़ीमेल कल मिस होगी मुझसे, जब मैं पर पटाई कर रहा था ये सामने घूम रही है, देखें ये पूरे परों पर है। तो खैर ये वैसे भी थोड़ी कमज़ोर थी, तो अच्छा हुआ अभी थोड़ा सा 2-4 दिन में इसको खींच देंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी ये सारी फ़ीमेल मैंने पर पटाई इनकी कर दी है। 5 पर जो होते हैं बेसिकली वही जो है ना हेल्दी आने चाहिए और अच्छे आने चाहिए। तो जो 5 मेन कलियाँ थी वो उनकी मैंने खींच दी हैं, और कुछ कबूतरों ने ऑलरेडी गिराई हुई थी, और अगर किसी का कोई नया भी आ रहा था बीच में से खुद से गिराया हुआ था, तो उसका मैंने जो साइड पे सपोर्टिंग पर है दोनों साइड पे वो दोनों छोड़ दिए, ठीक है। 15 दिन के बाद जब इनके जो नए पर मैंने खींचे हैं अभी वो निकलना शुरू हो जाएंगे, तो उनको जो है जड़ से उनको सपोर्ट दे देंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो इनकी रिमेनिंग पर है उनकी पर पटाई हो जाएगी। तो अभी मैंने इनकी पर पटाई कल करी, और लेकिन मैंने अभी जो है ना ये केज के अंदर ये भी पर्चेस वगैरह पतवा से हटाई नहीं है, इंशाल्लाह ये हटानी है। नीचे इसके ऊपर कोई तख्ता वगैरह बिछाऊँगा, तो ये पानी वानी रखा है मैंने पैनाडोल वाला, तो उनको एक से दो तीन दिन पैनाडोल या कोई भी जो पेन किलर हो सिरप वो आप यूज़ करें इंशाल्लाह। कबूतर ये मैंने रात को ही पर पटाई की है इनकी, और आज जो है दोपहर की वीडियो है, कबूतर माशाल्लाह सारी फिट है, कोई बुरा नहीं माना हुआ किसी ने। खैर थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, लेकिन ऑल ओवर फीमेल सारी एक्टिव है माशाल्लाह से। तो ये है सीन पार्ट, इंशाल्लाह फिर बाकी इनके 15 दिन बाद पर खींचेंगे। कुछ बाहर घूम रही हैं, कुछ अंदर हैं, इनका थोड़ा घूमें फिरें, धूप शूप लगे, धूप अच्छी है इनके लिए, ठीक है। तो बस ये थोड़ा इनका दाना वाना तकरीबन इनको अभी तो मोटा दाना दे रहा हूँ, और तकरीबन जब 8 से 10 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद इनको मैं सरसों वगैरह तिल वगैरह इस तरह की जो खुराक है वो स्टार्ट कराऊँगा, ठीक है। फ़ौरन जब पर पटाई की होती है तब अब नहीं देते, जब थोड़े से पर निकलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ये सारी ओली सीढ़ी देते। ये जो काम है ना ये काम ख़राब होता है जो कबूतर करके भेजे। अभी तो खैर इनके पर कल ही खींचे मैंने, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े पर निकले हैं और इस तरह कबूतर करें तो पर ख़राब हो जाते हैं, ब्लड आ जाता है, पर काना हो जाता है, तो कबूतर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो खैर ये अपनी फीमेल है माशाल्लाह सारी फिट फाट है, और शायद ऐसे तो मेल भी आपको दिखा दूँ। ये सारे मेल हैं, इनके भी 5-5 पर मैं खींच चुका हूँ, देखिए माशाल्लाह सारे बिल्कुल हेल्दी फिट फाट एक्टिव हैं। इंशाल्लाह अभी इनके जो बागी पर हैं वो खींचेंगे 15 दिन के बाद, और ये फिर पतवासे वगैरह हटेंगे सब, नीचे ये ज़मीन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नर हैं, उनकी पर पटाई कर दी है मैंने, और वो फीमेल हैं, ये फिर भी ऊपर चढ़ गए हैं, देखिए 5 पर खींचने के बाद भी इतने पर हैं। कुछ जो है इनके नए आ रहे थे इस वजह से जो थोड़े छोड़े हैं ना, तो मेन चीज़ ये होती है एक साथ भी खींच सकते हैं, लेकिन एक साथ खींचने में मसला ये आता है कि एक साथ अगर पर खींच दो ना तो फिर कबूतर की दुम और पर जल्दी आ जाते हैं, और फिर होता ये है कि हमने उसको निकालना थोड़ा लेट ही होता है, ठीक है। 50 दिन के प्रोसेस के बाद ही निकालना होता है कबूतर को पिंजरे से, तो 50 दिन में फिर उनकी दुमे और जो बगल के पर हैं वो गंदे भी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे के पर जो 5 पर हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हैं वो 5 पर ही हैं, तो 5 पर पहले खींच दिए हैं ताकि 5 पर हेल्दी भी आ जाए, क्योंकि हर पर को ब्लड चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा तो ब्लड चलता हुआ आता है उनके अंदर। अब अगर ये चीज़ सोची जाए कि कबूतर को अगर तकलीफ़ देनी है, पेन देना है, तो एक ही बार में पर पटाई कर दें, लेकिन एक ही बार पर पटाई करने से मेरा नहीं ख्याल कि परों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, तो ये वाला तरीका सही है। 5 पर मैंने 5 पर बिल्कुल अच्छे से निकलना शुरू हो चुके हों, और तकरीबन 2-2 इंच के 3-3 इंच के हो जाएँ, तो बाकी परों की फिर पटाई करें, क्योंकि बाकी पर इतना टाइम नहीं लेते। तो ये अपने 50 दिन के प्रोसेस में ही कबूतर बाहर निकल आएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो कबूतरों को जो है
इनकी बॉडी में जितना खून है वो वही इनके परों में चलता है, तो इसलिए कोशिश यही करें कि पांच पर पहले खींचें ताकि कबूतरों के पांच मेन पर जो है ना वो सही हैं। बाकी अगर किसी पर में मसला आता भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है भाइयों, तो ये मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा शौक कराऊँ, मैंने कहा था कि वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो बनाऊँगा, अगर कोई साथ होगा तो बताऊँगा कैसे पर पटाई की, लेकिन मैंने अकेले ही की है, कोई भी नहीं था भाई, सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। और शौक का कुछ पता नहीं है कि कर पाऊँ या नहीं, लेकिन कबूतर निकालेंगे तो सही उड़ाएंगे। बाकी साल की मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट पटरी ये है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो ये बहुत अच्छी उड़ेगी, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। चार पांच बहनें ही हैं लेकिन उन पांचों में भी सबसे मेरी होट फेवरेट यही है। इसके आप बनकर देखें, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, बहुत ज़बरदस्त उड़ी हुई है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा चलो आप भाइयों के साथ शेयर करूँ। बाकी जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अभी सीज़न आ रहा है नज़दीक तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी अभी मैं कुछ बच्चे बच्चे भी निकालने लगा हूँ, उड़ाने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये दो बच्चे मैंने यहाँ रखे हैं, ये आपको बताना भूल गया, इनको थोड़ा सा धूप लगवा रहा हूँ 10-15 मिनट। ठीक है, इनको धूप भी बहुत ज़रूरी है, इधर से भी दो निकालता हूँ, ये भी आपको दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे पल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो बच्चे थे ना वो बहुत शदीद सर्दी थी, उसमें कुछ बच्चे ख़राब हो गए हैं, तो सभी हैं अलाइव हैं, लेकिन ये क्योंकि परवर अच्छे नहीं आए, ग्रोथ अच्छी नहीं हुई बच्चों की, इतना ध्यान मैंने नहीं दिया सर्दी की वजह से। बाकी ये वाले इंशाल्लाह फिट फाट हैं, उनको दाने वगैरह भी हो गए थे पॉक्स, तो अब इनकी प्रॉपर केयर करेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छे बच्चों की पढ़ाई होगी। अच्छा ये मेल भी बाहर आ गए, इनको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।